ट्रैक्टर लवर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपने रिव्यू कराए होंगे आइसर है 485 मॉडल है, बिल्कुल नया मॉडल आया है वो। और एक के बोल लेगा तू वीडियो बनाएगा, कोई दिक्कत ना, ट्रैक्टर नाम भी चैनल नाम बाद में लगा, चैनल की कोई दिक्कत ना मेरे भाई, तू इसमें खोल ले। अरे बेराखी है हमारे में, ये है वाइज तू ना बस गेल पकड़े रखो ना, यो बोले जागा तीनों है मैं सही बन जाएगी। मैं बोल ना आ रहा हूं तू प्रभाग नहीं, बढ़िया बन जा रहा है सर, बना तू बना तू छोड़ दे। तो भाई इसका फ्रंट का वो जो बम्पर है यो हम आपने दिखाएंगे, हैवी बम्पर है बिल्कुल, कंपनी की तरफ से फिटेड है ये। और ये जो सामने इसकी जाली वगैरह दे रखी है कंपनी वाली है, और ये आइसर का लोगो है, और ये फ्रंट के लैंप जो हैं बिल्कुल स्टाइलिश लैंप हैं, और सिल्वर है इसका शाइनिंग सिल्वर कलर है। फ्रंट का जो है बोनट है वो कार की तरह खुलता है इसका, और फ्रंट के टायर हैं इसके 6016 के हैं, MRF के टायर हैं। और रिम की बात करें तो सिल्वर शाइनिंग कलर है, और बोस कंपनी का इसमें फ्यूल पंप है, और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये, 47 hp का ट्रैक्टर है। और ये फिल्टर दे रखे हैं, 3 फिल्टर हैं, और ये वाटर सेपरेटर दे रखा है। इसका साइलेंसर बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई लुकिंग में, आप देख सकते हो आइसर 485। और ये कटाई है इसकी जो प्रेशर वाली कटाई है, और ये हैवी ड्यूटी एक्सल है फ्रंट का। जो बात करें हैं ये ग्लासी दे रखी है इसकी, और ये है जो पंप दे रखा है, और ये रेस वाली वायर है, और बैक प्रेशर की है उधर निकाल रखी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसकी, और पावर स्टेयरिंग है 60 लीटर की है इसकी। तेल की टंकी की बात करें तो, और ये पायदान दे रखा है ट्रैक्टर का काफ़ी, और ये डैशबोर्ड काफ़ी चौड़ा दे रखा है, ये रिवर्स पीटीओ के लिए सिस्टम दे रखा है भाई, और ये है डुअल क्लच, और ये यहाँ से तेल वगैरह जाता है भाई टंक, इसमें स्टेयरिंग के लिए ऑयल जाता है। आइसर 485 HD और डुअल क्लच है ट्रैक्टर की, और हाई लक्स के इसके डीपर है ट्रैक्टर के, और ये फेंडर गार्ड इस पर दे नहीं रखा, सिल्वर शाइनिंग कलर है ट्रैक्टर का, और यहाँ से ब्लैक कलर है। और सीट की बात करें तो एडजस्टेबल सीट है ट्रैक्टर की, और ये साइड शिफ्ट गियरबॉक्स है, लो मीडियम हाई में अभी आया है ये मॉडल, और प्लेनेटरी एक्सल में ट्रैक्टर है ये आइसर 485। वायरिंग भी काफ़ी हैवी दे रखी है ट्रैक्टर की, और रेडिएटर में आ गया अब ये ट्रैक्टर है, सिंगल ओपन ट्रैक्टर है, और ये 3 पंखे दे रखे हैं भाई ट्रैक्टर में, 12 वोल्ट की बैटरी है ट्रैक्टर की, ये पैर वाली रेस है, और ये रेस है, और ये कोई इमरजेंसी ये लोग ब्रेक का ब्रेक का भाई, और ये ब्रेक लोग दे रखा है ट्रैक्टर में, और 12+3 का गियर बॉक्स है ट्रैक्टर का, और ये वाव क्वालिटी है ट्रैक्टर की, 540 चक्कर में है इसकी PTO, और ये हाइलक्स के डीपर दे रखे हैं, और ये वो दे रखी है टूल बॉक्स वगैरह दे रखा है इसमें, और पीछे के टायर हैं 14/28 के टायर हैं ट्रैक्टर के, और PTO सिंगल PTO इसकी 6x9 PTO 540 चक्कर में, और रिवर्स PTO है नहीं इसमें, और लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी 1800 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी है, और लोग दे रखे हैं लिफ्टों में ताकि इधर उधर की लोड लेना। और एक्सल की बात करें तो सीरीज में इसका एक्सल, और डम्फर वाली पाइप कंपनी फिटेड दे रखी इसमें, और वाटर बोतल होल्डर है, और जो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दे रखा है सीट के बिल्कुल साथ में, और सिग्नल लाइट दे रखी है, और ये कंपनी की वो दे रखी है लाइट हाइलक्स के पीछे वाले भी डिपर हैं इसमें। और मीटर की बात कर तो डिजिटल मीटर है ट्रैक्टर का, और जो स्टेयरिंग है उसके लोगो लगा रखा है आइसर ट्रैक्टर का लोगो है,
और ये आइसर वाले भी देने लग गए पीछे। ये एक ये रोड है स्पोर्टिंग के लिए, और जो लिफ्ट के जो जैक हैं ये एडजस्टेबल हैं, और हुक एडजस्टेबल है जो इसके साथ में आता है, और टोपलिंग भी इसके साथ में आता है, वो एडजस्टेबल टोपलिंग है भाई। सिल्वर है इसका कलर और आइस। एक दो तीन वे है, मैं फायरिंग ऑर्डर है दे रखा ट्रैक्टर में, दमदार ट्रैक्टर है आइसर का 485, और ये 50 हॉर्स पावर में आने लग गया है। एचडी क्वालिटी वाला ट्रैक्टर है ये, और रिवर्स पीटीओ भी इस ट्रैक्टर में उपलब्ध है भाई, और एमआरएफ के टायर हैं इसके आगे पीछे के दोनों, और ब्लैक कलर, और इसका ब्लैक कलर इंजन वगैरह पे है, और सिल्वर कलर है जो इसका ऊपर नीचे ये बॉडी पे पूरा सिल्वर कलर है, और मुर्गाड़ पे और रिम वगैरह पे, और जो मिडल में है इसका गियर वो सुन है, और इसकी मिडल में है बैटरी बॉक्स है, और प्राइस इसकी 660,000 रुपये रख रखी थी पहले, लेकिन अब बढ़ गई है, अब ये 710,000 रुपये के आसपास है, और शायद साथ में इसके रोटावेटर फ्री आता भाई, नहीं रोटावेटर फ्री नहीं आता भाई, मना कर दिया रोटावेटर के लिए। तो वीडियो बढ़िया लगा तो भाई शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया भाई, धन्यवाद भाई।